Dear students, welcome in math lesson. Here is exercise number 2.2 and question number 2. And in first part given 1 upon 4 and comma minus 1. What are they? 1 upon 4 is the sum of zeros. This is sum of zeros, and minus 1 is product of the zeros, means sum of the zeros and product of the zeros are given. And what is the type of polynomial? This is quadratic polynomial, means degree 2 polynomial. Degree 2 polynomial जो होती है वही quadratic polynomial कहलाती है. तो आपको सम दे रखा है प्रोडक्ट उनका जीरोस का और प्रोडक्ट जीरोस का दे रखा है. अल्फा और बीटा जो हमने कल किए थे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज सम ऑफ जीरोस, सम अल्फा प्लस बीटा, दीज आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा. This is product multiplication. अब सम कितना दिया हुआ है? सम दिया हुआ है 1/4. और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है -1. अब आपको पॉलिनोमियल निकालनी है. तो पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो है वो ये रहा. ये आपका फॉर्मूला है जो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको याद कर लेना ऐसे ही. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, एक्स स्क्वायर के बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स, एंड प्लस अल्फा इनटू बीटा. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. जब प्रोडक्ट और सम दोनों दे रखे हों जीरोस के, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें उसका फॉर्मूला ये है. आपको कुछ भी नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि 1/4 है यहां पुट करनी है, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1 पुट करनी है. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख देंगे 1/4, माइनस तो है ही, ऑलरेडी फॉर्मूले में है ये. ये आपका फॉर्मूला है, इसको एज इट इज आपको याद रखना है. 1/4 एक्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 आ गया. आप चाहे तो इसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट में, इससे आपको ये ध्यान रखेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही पर्टिकुलर 1/4 है. अलग अलग नहीं है अल्फा और बीटा, अलग अलग नहीं है. आप क्वेश्चन में देखना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, एंड दिस इज प्लस, एंड अल्फा इनटू बीटा इज -1. रिमेंबर दिस इज साइन पॉजिटिव इन द फॉर्मूला. And alpha into beta gives -1. Alpha into beta -1 दे रहा है, तो ये plus है. ऐसे शो करना पड़ेगा आपको, इसकी जो लिखने का method है, plus का sign और minus का sign. Minus का sign कहीं particular आ जाता है किसी number का, तो आपको -1 put करना होता है. Minus के ऊपर bracket लगाना जरूरी है. अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको लिख दीजिए एक्स अपॉन फोर, और प्लस माइनस -1. वैसे तो ये भी आंसर सही है आपका, लेकिन थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें कर सकते हैं. देखिए इसके बाद मैं यहां ले रहा हूं, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपके टाइम वेस्ट नहीं हो. यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन फोर -1.
यहां आपको क्या करना है, 4 से इंटू करना है या 4 से एलसीएम लेना है। अक्सर क्या होता है, नीचे किसी नंबर के यहां 1/4 आ जाए या यहां 4 आ जाए तो आपको क्या करना होता है, 4 से इंटू करना होता है, जिससे कि नीचे के जो नंबर है वो फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या आ जाएगा, 4x² - यहां ये 4 से इंटू हो गया, ये 4 से इंटू हो गया और ये भी 4 से इंटू हो गया। तो इसकी फॉर्म ऐसे बनेगी, 4x² - 4x/4 - 4, 4 से इंटू कर दिया पूरे ब्रैकेट को। देयर इज नो नीड टू पुट द ब्रैकेट नाउ, अब ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। कट गए, ये नहीं कटेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, -x - 4, ये आपका फाइनल आंसर है, 4x² - x - 4। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 आ चुकी है इसकी, 2 पावर है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ऐसे आंसर आप फाइंड कर सकते हैं जिनका सम दे रखा हो जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ऐसे इसको कर सकते हैं। ये आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। देखिए इसी फॉर्मूले में आपको यहाँ फॉर्मूला दोबारा रिपीट करना है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए आपको लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने में आपको ये बचत नहीं करनी इतने टाइम की, ये डेंजरस होती है इतने टाइम की बचत। फॉर्मूला जरूर शो करना है, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन आगे रॉन्ग हो जाए, लेकिन फॉर्मूले में तो नंबर मिले आपको कम से कम। x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज अंडर रूट 2। देखिए अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये, अलग अलग वैल्यूज नहीं है, आपको दिख तो एक रही है लेकिन ये सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा पूरे होल वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कॉमा के बाद वाली, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है प्लस, ये प्लस फॉर्मूले का है और 1/3। अब आप देख सकते हैं यहां एक्स है इंटू है, अब 3 नीचे है तो मैं क्या करूं, इस पूरे को वैसे तो इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं आप, x² - √2x + 1/3, यहां एक सिंप्लीफाई का स्टेप और ले लिया मैंने, ये हमें परेशान नहीं करेगी, कोई यूज नहीं है इसका। √2x, √ केवल 2 के ऊपर ही है, x के ऊपर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस 3 से इंटू कर देंगे जो कि नीचे है डिनोमिनेटर में, 3 इंटू कर दें तो ये सिंपली सिंपल फॉर्म आ जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, 3x² देखिए 3 × x² माइनस। अब आप देखें यहां 3 और √2 को इंटू करना है, एक तो है सिंपल डिजिट और एक है √ की डिजिट, तो इनको इंटू करेंगे तो 3√2 लिखें या √6 लिखेंगे, बिल्कुल सही समझे आप, दिस इज योर राइट आंसर। √ और विदाउट √ को जब इंटू करते हैं ना तो ऐसे ही लिखना पड़ता है, तो ये इंटू है बीच में, यहां इंटू का साइन, तो इसको लिखेंगे माइनस आ चुका है, ये 3 से इंटू हुआ, अब 3 से इंटू कर रहा हूं मैं सेकंड वाली टर्म से, फिर थर्ड वाली टर्म से, माइनस 3√2x और प्लस ये इंटू होगा, देखो 3 × 1/3, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में काउंट होगा, ये 1 से इंटू हुआ है तो कितना बचा 1, ये आपका फाइनल आंसर। आप 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेना, नेक्स्ट 2.3 में कल मिलते हैं।